फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाकृति क्रिएशंस। आशा की ओर त्योहारों का सीजन तो शुरू हो गया है और रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो भाई बहनों के साथ साथ परिवार के बहुत सारे रिश्तों को जोड़ता है। तो आज मैं बनाऊंगी एक रोली चावल की थाली जो कि रक्षाबंधन पे स्पेशली काम आती है, लेकिन हर तीज त्यौहार पर वो आपके काम आएगी। और साथ ही हम बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया डेजर्ट जो कि एक ही प्रिपरेशन में हम तैयार करेंगे उनको तीन फ्लेवर्स में। तो चलिए पहले शुरू करते हैं अपनी रोली की थाली बनाना। तो बहुत ही इजीली मैं इसको प्रिपेयर करूंगी। मैं थाली पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करूंगी। एक राउंड शेप मैंने कार्डबोर्ड में से कट कर लिया है, उसको रैप करूंगी एक मेरे पास वेलवेट क्लॉथ रखा हुआ है उसी से। आप चाहें तो किसी चुनरी के प्रिंट वाले कपड़े से या फिर किसी और अपने पसंदीदा कपड़े से इसको रैप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसको रैप करेंगे और इसको अच्छी तरीके से स्टिक होने रख देंगे। जब तक कि ये स्टिक होता है तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपनी प्रिपरेशन अपने बहुत ही बढ़िया डेजर्ट के लिए। तो इसके लिए मैंने लिए हैं केले, दो केले मैंने यहाँ पर लिए हैं और उनको फ्रीज में रख देना है अच्छी तरीके से। ये फ्रीज हो जाएं जैसा भी जितना भी टाइम आपके फ्रिज में लगता है, लगभग एक घंटे में ये हो जाएंगे। और इधर हमें दूध को गाढ़ा करना है तो उसके लिए मैंने लगभग दो गिलास दूध ले लिया था और उसको जब तक उसमें दाना ना आ जाए ना तब तक आप उसको जो है गाढ़ा करते रहिए। आप गाढ़ा करने के लिए यहाँ पर मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें आप कंडेंस्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। दूध गाढ़ा हो जाए तो गैस ऑफ कर दीजिए और उसे रख दीजिए ठंडा होने में। और देखिए इधर हमारे जो बनाना थे वो भी अच्छे से फ्रीज हो गए हैं। इसमें डाला लगभग आधा ग्लास दूध। और देखिए साथ ही मैंने लिए हैं टाइगर के बिस्किट के दो पैकेट। एक बिस्किट के पैकेट को हमने इस तरह से टुकड़े करके इसमें डाल देना है और एक बिस्किट का पैकेट अभी हमें रोक लेना है। और इसमें मिलानी है दो चम्मच शुगर। आप अपने हिसाब से इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं और इसका एक शेक तैयार करना है। आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं बर्फ़ के साथ, बहुत ही अच्छा शेक ये लगता है। और इधर देखिए हमारा जो दूध था वो भी बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है और काफ़ी अच्छी मलाई इसमें जम गई है। और जो बिस्किट का दूसरा पैकेट था उसको भी मैंने इस तरह से देखिए क्रंचेस में कर लिया है। अब हम इसको एक मैंने कुल्फी का मोल्ड लिया है उसमें मैंने डाले थोड़े से ये क्रंचेस इस तरह से। और जो हमने दूध को गाढ़ा करके लिया था बिल्कुल रबड़ी जैसा ये बन गया है उसको हमने डाल लिया है मोल्ड्स के अंदर। और जो ये बनाना शेक हमने डाला था उसको भी हम इस तरह से इसमें ऐड कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा ये हमारा एक कुल्फी हमारी तैयार हो जाएगी। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है एकदम क्रंचेस के साथ में। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस तरीके के कप्स ले सकते हैं। तो इसमें मैंने दिया है पूरा बनाना का फ्लेवर। तो मैंने बनाना शेक का की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखी है और जो कुल्फी वाला जो हमारा रबड़ी वाला पार्ट था उसको थोड़ा सा कम रखा है। और इसमें भी ये देखिए इस तरह से लगाए हैं इसको बिस्किट्स को, तो ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और खाने में भी। और एक तीसरा फ्लेवर मैंने दिया है केवल अपना इस रबड़ी वाले दूध से। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको डाल लिया है और इसमें डाल दिए हैं थोड़े से क्रंचेस, क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने सभी में बिस्किट्स ऐड किए हैं। आप बिस्किट की जगह इसमें ड्राई फ्रूट्स भी इस गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिल्वर फॉइल से इसको कवर अप कर दिया है और अब हम इसे रख देंगे सेट होने के लिए लगभग पूरी रात के लिए। और हमारा अब ये अच्छे से जो बेस हमने बनाया था वो सूख गया है। अब थोड़ा सा इसको कर लेते हैं डेकोरेट। तो मैं थोड़ा सा स्टोन्स का यूज़ कर रही हूँ और इसमें बना रही हूँ एक स्वास्तिक। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये स्टोन इसके साथ में। आप स्टोन्स की जगह स्टोन चेन भी यूज़ कर सकते हैं, शीशे यूज़ कर सकते हैं, जो भी मटेरियल अगर आपके पास रखा है आप उससे बना सकते हैं। और बहुत ही सिंपल मैं इसको रखने वाली हूँ। ये देखिए स्वास्तिक मैंने इसमें बना लिया है और साइड में मैं लगा रही हूँ ये किरण, जो गोटे वाली जो दुकानें होती हैं ना वहाँ से आपको मिल जाएंगे अगर आपके पास नहीं है तो। तो इस तरह से देखिए चारों तरफ ये किरण इसमें अटैच कर दीजिए। इस तरह से आप जब कुछ भी बनाएंगे ना तो त्योहारों का मज़ा जो है वो दुगना हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत हैंडमेड हमारे हम अगर कुछ भी अपने काम को कर लेते हैं तो वो बहुत ही सुंदर लगता है।
और एक अलग सी उमंग आ जाती है ना हमारे त्योहार में। तो आप इस बेस को इस थाली के ऊपर इस तरह से रख दीजिए। थाली पे आप चाहें तो कुछ भी मत करिए, ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगेगा। बस इसके ऊपर जब आप अपना सब रोली चावल का जब सामान लगाएंगे ना तो बहुत ही सुंदर लगेगा। मैं अभी आगे आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से कर रही हूँ। इसमें इस तरह की एक लटकन वाली लेस मैं इसमें लगा रही हूँ, जिससे कि काफ़ी अच्छा सुंदर सा लुक इसमें निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए, बस मैं बहुत ज़्यादा कुछ इसमें थाली के ऊपर नहीं करूँगी, मैं बस बेस को अब इसके साथ में अटैच कर दूँगी, इसके साथ में रख दूँगी। अटैच भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप जब चाहें इसे इसमें से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बन गई हमारी थाली। अब हम इसमें लगाएंगे सामान। तो देखिए ये रोली चावल की छोटी छोटी सी मैंने प्यालियाँ इसमें रख दी हैं, और एक स्टिक मैं बना रही हूँ जिसको हम तिलक लगाने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है एक जो बर्ड्स होती है ना उसको, उसका एक पीस मैंने ले लिया है और उसको इस तरह से मोर पंख को उसके पीछे रैप कर दिया है गोटे के साथ अटैच करके। बहुत ही सुंदर हमारी ये स्टिक लग रही है, और जब हम इसको थाली के साथ रख रहे हैं ना तो देखिए कितना सुंदर सा एक लुक निकल के आ रहा है। और अगर आप थाली में गोला भी रखते हैं तो इस तरह से उसको रैप करके रखिए। देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, लेकिन इतना सुंदर ये हमारी चीज़ों को बना देती हैं और हमारी भावनाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी लगने लगती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको रैप कर दिया है और इसको भी रख दिया है अपनी थाली के साथ। बहुत ही कूल एकदम हमारी थाली देखिए लग रही है। और आजकल तो फोटोग्राफी का ज़माना है, तो आप अपनी जो एक सिंपल सी थाली को इस तरह से डेकोरेट करके यूज़ करेंगे ना तो आपके फोटोग्राफ्स भी बहुत सुंदर आएंगे। तो देखिए ये हो गई हमारी थाली तैयार। मोर पंख मैंने लगा दिया है इसमें डेकोरेशन के लिए। अगर आपको पसंद है तो आप लगाइए, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। इस तरह से हमारी रोली चावल की थाली हो गई बिल्कुल तैयार, और बहुत ही सुंदर हमारी ये थाली लग रही है। और हाँ, अब हमारी आइसक्रीम्स, हमारा जो डेजर्ट था वो भी बिल्कुल रेडी हो गया होगा। तो चलिए जल्दी से डीमोल्ड करते हैं इन सब अपने डेजर्ट को, अपनी कुल्फ़ी को, अपनी आइसक्रीम को, जो भी आप बोलें। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी कुल्फ़ी बनी है, बिल्कुल रक्षाबंधन पे भूलिएगा नहीं। ये बनाने को बहुत ही आसान है बनाना, और एक ही प्रिपरेशन से हमने तैयार की है। इसके तीन तीन फ्लेवर्स, बहुत ही अच्छे हमारे तीनों फ्लेवर्स बने हैं। तो देखिए इनको भी कर लेते हैं जल्दी से टेस्ट कि कैसे हमारे ये जो आइसक्रीम डेजर्ट्स हैं वो किस तरह से बने हैं। तो देखिए कितने यमी हैं ये, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। इसके बिस्किट चंक्स के साथ बहुत ही टेस्टी हमारी ये आइसक्रीम या डेजर्ट या कुल्फ़ी, जो भी आप कहें, बहुत ही अच्छी ये हमारी बनी है। तो ये थी आज की वीडियो रक्षाबंधन थाली को लेकर के, और अपने थोड़ा सा कुछ मीठा हो जाए इसको लेकर के। तो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।